फुर्सत के पलों में जब हम रात्रि आकाश को निहारते हैं तो हमारे सामने होता है तारों से जगमगाता असीम आकाश। हम देखते हैं कि प्रकाश बिंदु के समान चमकते ये लाखों तारे हमारे चारों ओर फैली एक काली पृष्ठभूमि पर बिखरे हुए हैं। कुछ तेज चमक रहे हैं, कुछ दूसरों से बड़े हैं, कुछ का रंग हल्का नीला है, कुछ एकदम सफेद है, तो कुछ के अंदर हल्की लालिमा, और इन्हीं के बीच बिल्कुल अलग आकृति वाला दिखाई पड़ता है चंद्रमा। अपने बड़े आकार और बदलती कलाओं के कारण चंद्रमा ही पहली नजर में पूरी रात्रि आकाश में हमारे आकर्षण का केंद्र रहता है। ये नजारा जितना खूबसूरत और शांत है उतना ही अनसुलझा और रहस्यमय भी। शायद ही हमें अपने बचपन के इस प्रश्न का उत्तर मिला हो कि आसमान में कुल कितने तारे हैं। शायद जो तेज चमकता तारा हम देख रहे हैं वह तारा ना होकर एक ग्रह हो जो हमारे सूर्य के प्रकाश की वजह से ठीक उसी तरह चमक रहा है जैसे हमारा चंद्रमा चमकता है। शायद जो तारा आज हमने आसमान में देखा वो कुछ महीनों बाद वहां ना अपनी खूबसूरती और ऐसे ही रहस्यमय तथ्यों को समेटे रात्रि आकाश हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने बारे में जानने के लिए प्रेरित। रात्रि आकाश अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि ये समाज के हर वर्ग को आकर्षित करता है, चाहे वो बच्चा हो ये बड़ा या फिर कोई बूढ़ा। हम लोग को जो आसमान धरती से इतना शांत दिखता है उसमें हर वक्त प्लैनेट्स, स्टार्स, हमारे कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सब हर वक्त मूव कर रहे होते हैं एक ऐसी जगह जो कि बहुत ही ज़्यादा शांत, क्वाइट। इंस्टेड ऑफ दिस इट हैज अ नंबर ऑफ मिस्टीरियस थिंग्स, अ नंबर ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू इट। इसी कारण हम आकाश में झांकने का प्रयास करते हैं ये जानने के लिए कि वो अलग अलग रंगों वाले टिमटिमाते तारे हकीकत में कैसे दिखते होंगे, चंद्रमा की असल कला कौन सी है और हर रात्रि ये सभी हमारे आकाश में विचरण करते क्यों दिखाई पड़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम अंतरिक्ष में होने वाली खगोलीय घटनाओं को तार्किक और गणित के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य का प्रारंभिक कौतूहल इस बात पर बढ़ा कि क्षितिज से जो हमें हेमिस्फेरिकल आकाश दिखता है उस पर ऐसा लगा कि जैसे कुछ आकृतियां हैं जो कभी किसी एक स्थान पर दिखती हैं उसके बाद दूसरे स्थान पर दिखने लगती हैं और वो आकृतियां अपनी जगह बदल रही हैं। इसने मनुष्य के मन में एक नैसर्गिक कौतूहल उत्पन्न किया और उन आकृतियों के आधार पर उनका सभी जगह नामकरण किया गया। भारतवर्ष में भी और भारत के बाहर जहाँ भी इसका अध्ययन हुआ उन आकृतियों के आधार पर नामकरण किया गया और इनको हमने कह दिया राशि। ये बहुत समय पहले से चला आ रहा प्रयास है और आज हम अनंत ब्रह्मांड में अपनी स्थिति को 350 ईस्वी पूर्व अरिस्टोटल के काल से कहीं बेहतर समझते हैं। अरस्तु के समय में सोचते थे कि जियोसेंट्रिक यूनिवर्स है, पृथ्वी बीच में है, शायद हम ही ब्रह्मांड को कमांड करते होंगे, शायद हम ही केंद्र में है और सारी चीजें हमारे चारों तरफ घूमती है। अरस्तु के ही काल में ही एक अन्य ग्रीक खगोलविद हुए हैं एरिस्टार्कस और उन्होंने इस बात की संपुष्टि की थी कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य बीच में। हालांकि एरिस्टार्कस के विचार हमें उन्हीं के द्वारा लिखे किसी लेख में नहीं मिलते लेकिन ग्रीक फिजिसिस्ट आर्किमिडीज के लेखों में उनका जिक्र कुछ इस प्रकार हुआ है। His hypothesis are that the fixed star and the sun remain unmoved, that the earth revolve around the sun on the circumference of a circle, यानी उनकी परिकल्पना के अनुसार सारे तारे और सूर्य अपनी जगह स्थिर हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक गोलाकार पथ पर चक्कर लगाती है और सूर्य उस गोले के बीचों बीच स्थित होता है। एरिस्टार्कस के विचार उस काल की हमारी अंतरिक्ष की समझ से एकदम अलग थे जिन पर समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग ही विश्वास किया करता था या अपनी चर्चाओं का विषय बनाया करता था। ये विचार आम समाज में लोकप्रिय नहीं हो पाए क्योंकि उस समय की अंतरिक्ष के प्रति हमारी सोच का हमारी आस्थाओं और हमारे दैनिक रीति रिवाजों से काफी गहरा संबंध था। उस समय अंतरिक्ष की जो धारणाएं सबसे अधिक प्रचलित थी
उनका सबसे सटीक समाकलन मिश्र यूनानी शैली के गणितज्ञ और खगोलविद टॉलमी ने पहली शताब्दी में प्रकाशित किया। टॉलमी के मॉडल के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में है और उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि, सूर्य और मंगल। लेकिन सिर्फ आस्थाओं और अधूरी खगोलीय जानकारी के आधार पर बनाई गई धारणाएं कब तक जीवित रहती? समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी खगोलीय जानकारियों की वृद्धि हुई, वैसे वैसे पुरानी मान्यताएं डगमगाने लगी। 1543 में निकोलस कॉपरनिकस नाम के एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर ने ब्रह्मांड का ऐसा मॉडल प्रकाशित किया जैसा 17 शताब्दियों पूर्व एरिस्टार्कस ने सुझाया था। उनके अनुसार ब्रह्मांड में 8 गोले हैं, जिनमें से सबसे बाहरी गोले में वे सभी तारे हैं जो अपनी जगह स्थिर। फिर वो गोले हैं जिनमें उस वक्त तक खोजे गए ग्रह सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वीनस और मरकरी हैं, और इन सब के मध्य में है सूर्य। लेकिन मून एक ऐसा गोला है जिसके मध्य में है पृथ्वी। हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स या पृथ्वी से हटकर सूर्य को केंद्र मानना कोई नई कल्पना नहीं थी, लेकिन कॉपरनिकस इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने इस विचार को किताब के माध्यम से समाज में पहली बार इतने बड़े स्तर पर प्रकाशित किया। हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स की खास बात सिर्फ ये नहीं है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, बल्कि अगर हम सूर्य को स्थिर मान रहे हैं तो इस मॉडल के अनुसार हमको दिन और रात को समझने के लिए पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी एक्सिस पे घुमाना पड़ेगा। यानी दिन और रात का होना सूर्य के पूर्व से पश्चिम की ओर चलने की वजह से नहीं, बल्कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने की वजह से होता है। कॉपरनिकस का मॉडल 14वीं शताब्दी में आया। उससे 10 शताब्दियों पूर्व भारत में गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट, जिनकी रचना आर्यभट्टीय का अनुवाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाल्टर यूगन क्लार्क ने किया है। अपने अनुवाद में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आर्यभट्ट को इस बात का ज्ञान पहले से ही था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। उन्होंने इस बात का जिक्र कुछ इस तरह से किया है। इंडियन एस्ट्रोनॉमी इन जनरल मेंटेन्स दैट अर्थ इज स्टेशनरी एंड दैट द हेवनली बॉडी रिवॉल्व्स अबाउट इट, बट देर इज एविडेंस इन आर्यभट्ट इटसेल्फ and in the accounts of Aryabhatt given by later writers to prove that Aryabhatt maintained that earth which is situated in the center of the space revolves on its axis and that the asteroids are stationary. हालांकि आर्यभट्ट ब्रह्मांड के पुराने ही मॉडल पर विश्वास रखते थे जिसमें पृथ्वी केंद्र पर थी, लेकिन वो ये समझते थे कि दिन और रात सूरज के घूमने की वजह से नहीं, बल्कि पृथ्वी के अपनी एक्सिस पर परिक्रमा करने की वजह से होती। कॉपरनिकस का हीलियोसेंट्रिक मॉडल तब तक प्रचलित नहीं हुआ जब तक लगभग एक शताब्दी बाद गैलीलियो और उसके बाद में केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने इसका समर्थन नहीं किया। गैलीलियो और कॉपरनिकस, उनका यह बताना कि धरती जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र पर नहीं है बल्कि धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसको लेकर के इन वैज्ञानिकों को जन समाज के बीच में बहुत परेशानियाँ उठाना पड़ा, यहाँ तक कि उनको दंडित भी होना पड़ा। उस समय भारत में भी सभ्यता जन्म ले चुकी थी और भारत के जो बीज गणितीय या अंक गणित थी वो सर्वोच्च कोटि की थी, जबकि यूरोप में ज्योमेट्री बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सिकंदर के आक्रमण के समय जब ग्रीस की सभ्यता और भारतीय सभ्यता इन दोनों का एक दूसरे से सम्मिलन हुआ, तब ये दोनों ही विद्याएँ एक दूसरे में समाहित होकर के विज्ञान को एक नया रूप देने में सफल हुई। और उस समय भारत के बाहर के लोगों को मालूम पड़ा कि जीरो का भी कोई अस्तित्व है। शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ। अगर शून्य का आविष्कार ही ना हुआ होता तो भला हम धरती से चंद्रमा की दूरी किन चिन्हों में लिखते? लेकिन ये कहना भी पूरी तरह गलत नहीं होगा कि आधुनिक खगोल शास्त्र की क्रांति पश्चिम से ही शुरू हुई। जियोसेंट्रिक यानी पृथ्वी को केंद्र मानकर की गई ब्रह्मांड की कल्पना का प्रभाव समाज में किस गहराई तक था, इसका अंदाजा हम इस तथ्य से लगा सकते हैं कि पूरी 15 शताब्दियों तक न केवल समाज का सामान्य वर्ग बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग भी इन धारणाओं के बचाव में खड़ा रहा। कॉपरनिकस का मॉडल प्रकाशित होने के लगभग 45 वर्ष बाद डेनमार्क के एक फिजिसिस्ट टाइको ब्राहे ने ब्रह्मांड के अपने मॉडल में यह तो माना कि ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस मान्यता को जीवित रखा कि पृथ्वी मध्य में है और सूर्य ग्रहों सहित पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। टाइको ऐसे खगोलविद थे
जो अपनी धारणाएं बिना किसी दूरबीन की मदद से किए गए आकाश के अपने अध्ययन के आधार पर बनाते थे। दरअसल टाइगो ब्राही प्राग की वेधशाला में निरंतर ऑब्जर्वेशंस लेते रहते थे। उनके अधिकांश ऑब्जर्वेशंस कोरी आंखों से लिए गए ऑब्जर्वेशंस। आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि जिस अध्ययन के आधार पर टाइगो ये मानते थे कि ग्रह और सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, उसी अध्ययन के आधार पर बाद में उनके असिस्टेंट जोहानस कपलर का ये विश्वास बना कि चंद्रमा सहित पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अंतरिक्ष को देखने का हमारा नजरिया तब बदला जब 15वीं शताब्दी की शुरुआत में गैलीलियो ने एक खगोलीय दूरबीन से बृहस्पति ग्रह को देखा। गैलीलियो एक उत्कट अभिलाषा वाले वैज्ञानिक थे। गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप भी बनाया, उस टेलीस्कोप के आधार उन्होंने चांद पर स्पॉट्स हैं उनको देखा। तो गैलीलियो के उस टेलीस्कोप ने एक रास्ता खोल दिया पूरी मानव सभ्यता के लिए ये जानने का कि जुपिटर के सैटेलाइट्स। तो उन्होंने गैलीलियो को देखा, आयो को देखा, ना कैलिस्टो को देखा, यूरोपा को देखा, चार उसके सैटेलाइट्स उन्होंने देखे। यहाँ तक कि सन पर जो स्पॉट्स हैं वो भी गैलीलियो को पता चला कि सोलर स्पॉट्स होते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष लोगों के लिए और रहस्यमयी और रोचक विषय बन गया। टेलीस्कोप में सुधार हुआ और जानकारियां इकट्ठी हुई। इसी के साथ साथ भौतिक विज्ञान भी विकसित हुआ और इन दोनों के समागम से अंतरिक्ष और उनमें अपने स्थान के प्रति हमारी समझ और बढ़ी। न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक हम ये देखते हैं कि किस तरह समय के साथ साथ हमने अपने ब्रह्मांड को समझा। हमने ये जाना कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किन नियमों पर किस तरह के से चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड की बढ़ती हमारी समझ हमें इसमें अपने स्थान और हमारे बौनेपन को महसूस करवाती है। आज हमारे टेलीस्कोप न केवल धरती पर हैं बल्कि धरती के वातावरण से बाहर आकाश में भी। हमने अपने उपकरण चंद्रमा से लेकर लगभग सुदूर सौरमंडल के छोर पर पहुंचा दिए हैं, जिसकी बदौलत हमारे पास खगोलीय जानकारियों का भंडार है और इन्हीं खगोलीय जानकारियों के आधार पर वैज्ञानिक हर दिन ब्रह्मांड को पहले से बेहतर समझते जा रहे हैं। जब हमने अपने अस्तित्व के बारे में जानना चाहा, तो हमने आकाश की ओर देखा और आज हम जिस तेजी से अपने ग्रह के संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं उससे तो यही महसूस होता है कि निकट भविष्य में हमें अपने लिए आकाश में ही एक नया घर तलाशना पड़ेगा।